ASLP क्लब में आपका स्वागत है। आज हम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी बोलने आदि भाषा की समस्याओं पर बात करेंगे। यह वीडियो का हेतु केवल यह बताने के लिए है कि आखिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन है और यह किस तरह के विकार देखते हैं, इन विकारों पर उनका योगदान क्या है, विकारों की जागरूकता, समझ, लक्षण और इनके लिए आगे किनसे मदद लेनी चाहिए, इस दृष्टि से यह वीडियो बनाया गया है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिन्हें स्पीच थेरेपिस्ट भी कहा जाता है, यह संचार या बोलने की समस्याओं के विशेषज्ञ है। यह सभी उम्र के लोगों, शिशुओं से वयस्कों तक की मदद करते हैं। यह कई प्रकार के संचार और निगलने की समस्याओं का इलाज करते हैं। आइए पहले आपको कुछ समस्याओं का निदर्शन कराते हैं जो आमतौर पर बच्चों के माता पिता या बोलने की दिक्कत से जुड़े लोग लेकर आते हैं। बच्चों का बढ़ती उम्र के साथ ना बोलना, बच्चों की बोली में अस्पष्टता लगना, कमज़ोर या कर्कश आवाज़, बात करने दौरान कई शब्दों पर अटक जाना, बच्चों में स्वभाव संबंधी समस्याएं दिखना, विकास और सीखने में कठिनाई आदि। यह समस्याएं कई तरह के विकार होने की संभावना देता है जो ठीक हुए जा सकते हैं। तो अब एक एक करके कम्युनिकेशन एंड स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स यानी संचार और निगलने संबंधी विकार जानते हैं। शुरू करते हैं पहली, स्पीच एंड लैंग्वेज डीले से, जो बच्चों में अपेक्षित दर से भाषा का विकास ना होने को कहते हैं। इसमें बच्चे अपने उम्र के अनुसार भाषा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बोलने की क्रिया में पीछे रह जाते हैं। जैसे कि 4 महीने तक के बच्चे रो रो कर पुकारते हैं, वैसे ही 7 महीने तक बच्चे कुछ शब्द जैसे ब प दोहराना सीख लेते हैं और 7 से 12 महीने के बच्चे एक शब्द में बात करते हैं। वैसे ही 1 से 2 साल के बच्चे 2 शब्द में वाक्य बनाकर बात करते हैं। 3 साल तक बच्चे 3 शब्द के वाक्य बनाना सीख लेते हैं। अगर आप यह टप्पे अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ ना देखें तो जांच कराने में देरी ना करें। दूसरा, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, स्टैमरिंग या स्टटरिंग, जिसे हिंदी में हकलाना कहते हैं। इसमें बच्चे या बड़े बात करते हुए कई शब्दों पर अटक जाते हैं और अपना वाक्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं, एक ही शब्द दोहराने जैसे लक्षण दिखाते हैं। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्लटरिंग यह विकार भी है, जो एक वाणी दोष है जिसमें बोलते हुए अक्षर या शब्द लुप्त हो जाते हैं। युवक बहुत तेज़ गति में बात करता है जिससे वह क्या कह रहा है यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तीसरा, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, यह उच्चारण की समस्याओं को संदर्भित करता है जिसका परिणाम बोली में अस्पष्टता और अशुद्धियां पैदा करता है। पर कई बच्चे कुछ उच्चार शब्द देरी से ही बोलना सीखते हैं, जैसे र ल य आदि। उदाहरण के लिए बच्चा लारा को लाला कहे या टाइगर को टाई टाई। यह डेवलपमेंटल या विकास संबंधी उच्चारण की समस्याएं थी। इसके अलावा उच्चारण के विकारों में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जो एक जन्मजात बीमारी है, और अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच व डिसार्थ्रिया भी शामिल है। चौथा, वॉइस डिसऑर्डर्स, बच्चों या वयस्कों में आवाज़ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे तर्कश आवाज़, रूखा तनावपूर्ण आवाज़, कमज़ोर कानाफूसी या सांस जैसी आवाज़, आवाज़ बहुत ऊंची या नीची या स्वरमान में बदलाव। यह आवाज़ों में बदलाव स्वर तंत्री में खराबी के कारण होने से हो सकता है या इसके भी बहुत कारण हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, यानी बच्चों में उनके बर्ताव की समस्याएं जो उनके सीखने और विकास में बाधा डाल सकती है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी। फीडिंग एंड स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज, यानी कि अन्न निगलने की तकलीफें जैसे कि
निगलने के समय दर्द होना या निगलने के तुरंत बाद खांसना, निगलने में श्रम और थकान महसूस करना, बार बार निमोनिया जैसे विकार विकसित होना, वजन घटना। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट यही सब समस्याओं को विस्तार में जानकर स्पीच थेरेपी देकर मदद करता है। वह इन समस्याओं को बारीकी से देखकर अलग अलग रणनीतियों से लोगों की समस्याओं में सुधार लाने का प्रयास करता है। वैसे तो यह वीडियो में हर विकारों पर बहुत सीमित जानकारी दी गई है। इन विकारों को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सी जानकारीजनक वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।